हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। मैं हूं कोमल नाहटा। शूजित सरकार, निर्देशक शूजित सरकार और जॉन एब्राहम विकी डोनर के बाद फिर एक फिल्म लेकर आए हैं, मद्रास कैफे। विकी डोनर ने तो बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े थे, बट दैट वॉज अ लाइट हार्टेड कॉमेडी। ये फिल्म ज्यादा सीरियस है, तो क्या मद्रास कैफे विल रिपीट द सक्सेस ऑफ विकी डोनर? आइए देखते हैं। मद्रास कैफे एक बहुत ही सीरियस फिल्म है अबाउट हाउ एंड व्हाई एन एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज असैसिनेटेड बाय तमिल मिलिटेंट्स। एक्चुअली ये राजीव गांधी असैसिनेशन केस पर आधारित है, लेकिन इस फिल्म में सारे किरदारों के नाम अलग है। कहानी शुरू होती है जब रॉ एजेंट विक्रम सिंह यानी जॉन एब्राहम पूरी दास्तान, ये असैसिनेशन बेड, पूरा असैसिनेशन का जो किस्सा था, वो पूरी दास्तान प्रीस्ट को चर्च में सुना रहे हैं, क्योंकि विक्रम सिंह का सोचना है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर की जान बचाई जा सकती थी, बट कुछ हालात ऐसे थे, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे दैट द कंट्री लॉस्ट इट्स एक्स प्राइम मिनिस्टर। सोमनाथ डे और शुभेंदु भट्टाचार्य ने इस फिल्म की कहानी लिखी है, एंड एज ऑलरेडी मेंशन, ये कहानी रियल लाइफ असैसिनेशन बिड एंड असैसिनेशन ऑफ अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी की कहानी पर आधारित है, और इसलिए द स्टोरी ड्रॉज फ्रॉम द रियल लाइफ स्टोरी एंड बहुत ज्यादा सिनेमैटिक लिबर्टीज नहीं ली गई है। जहां तक स्क्रीन प्ले का सवाल है, इन दोनों ने, सोमनाथ डे और शुभेंदु भट्टाचार्य ने ही फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है, विद एडिशनल स्क्रीन प्ले बाय डुसैन टॉलमैक एंड स्क्रिप्ट सुपरविजन बाय रॉनी लाहिरी। तो स्क्रीन प्ले क्योंकि स्टोरी इस प्रकार की है, बाय इट्स वेरी नेचर स्क्रीन प्ले इज लॉन्ग वाइंडिंग एंड डज गेट बोरिंग फॉर अ गुड सेक्शन ऑफ द ऑडियंस। हां, एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस है जिन्हें इस टाइप के स्क्रीन प्ले में इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज इट इज अ डॉक्यू ड्रामा काइंड ऑफ अ फिल्म। It's after all documenting the facts that have actually taken place. First half काफी boring है क्योंकि बहुत ही long winding है और नए नए characters, नए नए किरदार establish हो रहे हैं, और secondly क्योंकि बहुत सारे किरदार are played by new faces, unrecognizable faces, इसलिए audience को थोड़ी तकलीफ होती है उन चेहरों को और उन नाम को याद रखने में, और इसलिए confusion sets in early for the audience. हाँ, इंटरवल के बाद एक तो ड्रामा का पेस पिकअप हो जाता है, सेकेंडली बहुत सारा ड्रामा हो रहा है, बहुत सारी चीजें होती है, एंड थर्डली देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग टर्न्स एंड ट्विस्ट पोस्ट इंटरवल, और इसलिए ऑडियंस को सेकेंड हाफ डेफिनेटली फर्स्ट हाफ से ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर हम प्योरली कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मेकिंग ऑफ द फिल्म और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जस्ट द स्क्रीन प्ले, बट फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करते हैं, तो बाय इट्स वेरी नेचर इस फिल्म की अपील बहुत ही लिमिटेड है। एक तो बिकॉज इट इज अ डॉक्यू ड्रामा काइंड ऑफ अ फिल्म, और इंडिया में डॉक्यू ड्रामास कम चलते हैं, एंड सेकेंडली क्योंकि ये असैसिनेशन सालों पहले हो गया था, इट इज नॉट वेरी लाइकली दैट अ लार्ज चंक ऑफ द ऑडियंस वुड बी इंटरेस्टेड इन रीलिविंग दैट एपिसोड ऑफ हिस्ट्री विच इट ट्राइज टू रिक्रिएट, विच द फिल्म ट्राइज टू रिक्रिएट। तो ये बहुत सालों पहले गुजरी हुई बात है, एंड ऐसा लगता नहीं है कि आम जनता, द मास बेस ऑफ ऑडियंस, वुड बी इंटरेस्टेड इन रीलिविंग दैट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री विच द फिल्म इज ट्राइंग टू रिक्रिएट। प्लस क्योंकि जो प्लॉटिंग एंड प्लानिंग हो रही है एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को उड़ाने की, उसके टेक्निकल साइड पर ज्यादा जोर दिया गया है। ऑफ कोर्स इट आल्सो डेल्व्स इनटू द माइंडसेट ऑफ द तमिल मिलिटेंट्स, लेकिन जो टेक्निकल जार्गन यूज की गई है, जो प्लेस, टाइम एटसेट्रा, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज है, वो टेक्निकलिटीज शायद एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस को बोर कर सकती है, एंड देयरफॉर एट बेस्ट दिस फिल्म वुड अपील टू अ नीश ऑडियंस, टू अ क्लास ऑडियंस विच फ्रीक्वेंट्स गुड मल्टीप्लेक्सेस इन द बिग सिटीज। कहने का मतलब है कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा ऑडियंस के लिए एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लेक्स के ऑडियंसेस के लिए, या छोटे शहरों के ऑडियंसेस के लिए, मासेस के लिए, लेडीज के लिए, इस फिल्म में कम मसाला है। हाँ, अगर कंटेंट है तो वो उन ऑडियंस के लिए हु बिलीव इन डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा, एंड वो ऑडियंस के लिए जो अच्छे हाई एंड मल्टीप्लेक्सेस में फिल्में देखना पसंद करती है। फिल्म के डायलॉग्स जूही चतुर्वेदी के हैं, एंड एडिशनल डायलॉग्स हैव बीन पेंड बाय तुषार जैन, एंड कहना पड़ेगा कि दोनों डायलॉग राइटर्स ने खूब मेहनत की है, बिकॉज द डायलॉग्स आर वेरी रियल एंड दे मेक द ड्रामा सीम वेरी रियल।
रॉ एजेंट विक्रम सिंह की भूमिका में जॉन एब्राहम ने काम अच्छा किया है, लेकिन ही कुड हैव यूज्ड हिज बॉडी लैंग्वेज टू मोर एडवांटेज। कहने का मतलब है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज को वो और भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे, विच वुड हैव एनहैंस्ड हिज परफॉर्मेंस। नरगिस फाकरी, जो कि एक वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट की भूमिका निभा रही है, शी स्पीक्स हर डायलॉग्स ओनली इन इंग्लिश, और ये जो पार्ट है फिल्म का, दैट विल रिस्ट्रिक्ट द फिल्म्स अपील टू ओनली द बिग सिटीज एंड ओनली अमंग द लिटरेट और इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस, क्योंकि उनके जो डायलॉग्स हैं हिंदी में वो नहीं कहती है, एंड देयरफॉर दिस रिस्ट्रिक्ट्स द फिल्म्स अपील। उनका काम वैसे भी छोटा है, बट Whatever she does well and she has looked very beautiful. Siddharth Basu ne kaam badhiya kiya hai. He is effective as Robin Dutt alias RD. Rashi Khanna as Vikram Singh's wife Ruby. She doesn't have much scope and unhone jo bhi kiya hai, theek thaak kiya hai. She looks pretty but her performance could have been far better. Prakash Belavadi, jo ki Bala ki bhumika nibha rahe hain, unka kaam behtareen hai. बहुत ही बढ़िया तरीके से वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस वेदर दे आर ऑफ फियर, एंग्जाइटी, डिफायंस, बहुत ही बढ़िया काम किया है, और इस फिल्म में उनके काम की बहुत ज्यादा तारीफ होगी। अजय रत्नम, हु प्लेज एलटीएफ लीडर, जो तमिल मिलिटेंट्स के लीडर है अन्ना, ही कुड हैव डेफिनेटली बीन बेटर, यानी उनका काम अप टू द मार्क नहीं है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट में बहुत सारे एक्टर्स हैं, बट यहां पर हम तीन एक्टर्स का मेंशन करेंगे। एक तो संजय गुरबख्शानी, ही प्लेज द प्राइम मिनिस्टर एंड लेटर द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका काम ठीक ठाक है, कुड हैव बीन बेटर। राजीव के पांडे एज एसपी एंड कृष्णा एज द बॉम्ब मेकर, इन दो के काम की तारीफ करनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत ही नेचुरल तरीके से उन्होंने अपनी छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई है। Rest of the cast is as usual. Shujit Sarkar ka nirdeshan definitely bahut acha hai. It is according to the demands of the script. Aur unka narrative style aisa hai ki aise lagta hai ki aapke samne pura drama wahi ka wahi unfold ho raha hai. But having said that, it must also be mentioned ki unki narrative style and plus the film's script दोनों ऐसे हैं कि एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस को तो ये फिल्म और उनकी नैरेटिव स्टाइल, उनका डायरेक्शन पसंद आएगा, बट द लार्ज मास बेस जो है उन्हें ये फिल्म कम पसंद आएगी, बिकॉज उनके लिए इस फिल्म में एंटरटेनमेंट वैल्यू इन दैट सेंस ऑफ द टर्म, जो हम फिल्म जब देखने जाते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, वो इस फिल्म में लार्ज बेस ऑफ मास ऑफ ऑडियंस वो नहीं पाएंगे, और इसलिए दिस फिल्म बिकम्स वन विच वुड अपील टू अ सेक्शन ऑफ द ऑडियंस, टू द क्लास ऑडियंस ओनली एंड मेनली। शांतनु मोइत्रा के बैकग्राउंड म्यूजिक की डेफिनेटली बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, बिकॉज द बैकग्राउंड स्कोर हाइटन्स द इंपैक्ट ऑफ द ड्रामा, एंड जो जो सीन्स अनफोल्ड होते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से उन सीन्स का इंपैक्ट ऑडियंस के माइंड पर ज्यादा होता है। कमलजीत नेगी का कैमरा वर्क भी बहुत बढ़िया है, एंड द सिनेमेटोग्राफर डेफिनेटली डिजर्व्स डिस्टिंक्शन मार्क्स। मनोहर वर्मा के एक्शन सीन्स आर गुड, विनोद कुमार के सेट्स अच्छे हैं, एंड चंद्रशेखर प्रजापति की एडिटिंग इज शार्प। सो ओवरऑल टेक्निकली इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म, एंड कनोइजर्स ऑफ गुड सिनेमा एंड द क्रिटिक्स विल ऑफकोर्स गिव द थम्स अप टू दिस फिल्म। तो ऑल इन ऑल मद्रास कैफे, हालांकि एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस को बढ़िया लगेगी, जिसे हम क्लास ऑडियंस कहते हैं, बट क्योंकि इसकी अपील लिमिटेड है, देयरफॉर इट विल नॉट डू वेल इन द सिंगल स्क्रीन सिनेमास एंड इन द ऑर्डिनरी मल्टीप्लेक्सेस। हाई एंड मल्टीप्लेक्सेस में वीकेंड में ये अच्छा बिजनेस कर सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट विल नॉट बी इनफ टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट इन द फिल्म। यहां पर हम आपको बता दें कि इस फिल्म को आज ओपनिंग खास नहीं मिली है। हां, कुछ अच्छे मल्टीप्लेक्सेस में ठीक ठाक है ओपनिंग, लेकिन सिंगल स्क्रीन सिनेमास में एंड लेसर मल्टीप्लेक्सेस में ओपनिंग काफी कमजोर है। तो ये हुआ हमारा रिव्यू ऑफ मद्रास कैफे। आइए बात करते हैं कुछ सिनेमा वालों से और उनसे जानते हैं कि उनके सिनेमाघरों में मद्रास कैफे की ओपनिंग कैसी है, पब्लिक रिपोर्ट्स क्या कहती है। गुड इवनिंग, सौंदर्य एरा सिनेमा जबलपुर के अंदर मद्रास कैफे तो हमने 6 शो दिए हैं। फिल्म को बड़ी ऑडी दी थी, एक्सपेक्टेशन जॉन इब्राहिम और नरगिस फाकरी तो लेते हैं, बट फिल्म को स्टार्ट थोड़ा सा स्लो मिला है, 40% की ओपनिंग मिली है। सैटरडे संडे है आधे, तो हो सकता है फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिले। फिल्म अच्छी है, लोगों को पसंद भी आ रही, बट थोड़ा सीरियस टॉपिक है, ऊपर से रेन मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा फिल्म को डिक्रेस तो मिला है। बाकी लेट होप फॉर द बेस्ट,
कैफे टुडे हैज ओपनड अराउंड 25% इन मुंबई एंड अराउंड 35% फॉर अस एट कोलकाता. इंदौर इज आल्सो अराउंड 25%. द पीपल आर लाइकिंग द मूवी. इट्स नॉट अ मास ओरिएंटेड फिल्म ओवरऑल, बट द रिव्यूज आर गुड. पीपल आर लाइकिंग द फिल्म एंड होपफुली सैटरडे संडे शुड डू मच बेटर बिजनेस देन व्हाट इट हैज डन टुडे. मद्रास कैफे हैज ओपनड क्वाइट स्लो बट इट हैज पिक्ड अप फ्रॉम मॉर्निंग एंड द मूवी इज कैरिंग वेरी गुड पब्लिक रिएक्शन एंड आई थिंक इट विल pick up by late evening and it should do very well. The film is really appreciated. We are playing 7 shows of Madras Cafe in the larger capacity auditorium, and since there is a lot of English software which all is opened very well, I don't think there is any scope for increasing shows, and probably Monday it might increase. Chennai is still holding very well in the number of shows allocated, but unfortunately Once Upon a Time in Mumbai has really gone down today. And all the Marathi software is also doing extremely well at all our properties. अब चलते हैं सिनेमा घर में और वहां मौजूद ऑडियंस से जानते हैं कि उन्हें आज रिलीज हुई मद्रास कैफे कैसी लग रही है. Very good, excellent. Everything was very nice. It is a masterpiece. I enjoyed every second of it thoroughly. That great also. Kind of like थोड़ी स्टोरी घुमा के बताई, but the reality came to face. Beautiful, beautiful. I like it really. I salute John Ibrahim. He has made this film. He really got guts to bring this thing in front of public. It's a Hollywood film. कैसे कितनी movement, कितने शहर और कैसी एक्टिंग. माय गॉड, सी आई वुड लाइक टू सी एंजॉय अगेन. दिस इज नॉट फॉर मासेस, दिस इज फॉर एजुकेटेड इंटेलिजेंट पीपल. फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज के एपिसोड के अंत में आ चुके हैं. हमारी मुलाकात अब सोमवार को होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे अबाउट द वीकेंड बिजनेस ऑफ मद्रास कैफे. इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव, कोई सजेशंस हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@znetwork.com. And if you have any questions relating to the world of films, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए बीबिज, स्पेस छोड़िए, टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 57575 पर. यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर @ETC Bollywood. दिस इज कोमल नाहटा बिडिंग यू गुड बाय एंड होपिंग दैट यू हैव अ लवली वीकेंड.